अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाब हफ्तम कंप्यूटर। कंप्यूटर दौरे जदीद की एक हैरत अंगेज इजाद है। इसकी मदद से पूरी दुनिया एक जादू के डब्बे में सिमट आई है। दुनिया जहां का इल्म इस पर इंटरनेट की मदद से हासिल किया जा सकता है और दुनिया भर की लाइब्रेरियां आपकी पहुंच, आपकी दस्तरस, दस्तरस का मतलब है पहुँच में है। आप इस पर अपनी पसंद के खेल, गाने और फिल्में देख सकते हैं। कंप्यूटर के सनती और दफ्तरी फ़ायदे से भी इनकार नहीं मुमकिन है नहीं। जो काम बहुत से लोग करते हैं वो एक कंप्यूटर कर लेता है। बैंकों के तवील खाते, तवील का मतलब है लंबे, और अदादोशुमार फ़ौरन दस्तियाब हो सकते हैं। इस तरह स्कूलों, कॉलेजों और जामियात जमा है में रजिस्टर्ड दाखिल हारिज तलबा की तादाद असनाद और वक्तन फवक्तन जारी होने वाले अहकाम का मतलब है हुक्म सब कंप्यूटर से मुमकिन है। आज के जदीद दौर में उर्दू ने इन पेज की मदद से आप अपने पसंद के हद के मुताबिक उर्दू की अशात और किताबत का मतलब है लिखना कर सकते हैं। उर्दू पैगाम रसानी भी मुमकिन हो गई है। सनती तौर पर मलबूसात कहते हैं लबास को, के नित नए अंदाज, गाड़ियों और मोबाइल फ़ोन्स के मॉडल और फर्नीचर और इमारतों के नक्शे बनाना कंप्यूटर की वजह से आसान हो गया है। जहाज़रानी और जहाज साजी की सनत के लिए कंप्यूटर ज़रूरी हो गया है। ये सब कुछ पहले मुमकिन ना था। इब्तदाई कंप्यूटर, जिसे मेन फ्रेम कहा जाता था, एक कमरे जितना बड़ा था। इसमें सिर्फ ज़रब, जमा, तकसीम और तफरीक मुमकिन थी। इंसानी तहकीक और जदोजहद और जस्तुजू की बदौलत ना सिर्फ इसका हजम कम हुआ बल्कि इसकी कीमत कम होने के साथ साथ इसकी इस्तेदाद और बढ़ गई। यही जस्तुजू, तहकीक और मुसलसल मेहनत इंसानी कामयाबी का राज है और कंप्यूटर इसका समर का मतलब है फल है। आप इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी जो कि ऊपर दिए गए हैं वो याद करेंगे और इसके मुश्किल अल्फाज इमला के तौर पर इस याद करें।